तो क्या आप जानते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसका दिल उसके शरीर में नहीं एक बैग में है? या फिर ये एक ऐसे देश की करेंसी के बारे में जिस पर गणेश जी की तस्वीर छपती है? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि शराब की एक्सपायरी डेट क्या होती है? नहीं जानते ना, तभी तो कहता हूँ हर वीरवार को देखा करो फैक्ट्स नेशन का यह एपिसोड, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी ज्ञान परोसा नहीं जाता। चुन कर लाता हूँ मैं 10 ऐसे फैक्ट जो आपको पहले से और भी सजन, समझदार और जिम्मेदार बनाए। तो फैक्ट्स नेशन के हर एपिसोड को दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और उन्हें भी दें फैक्ट्स नेशन से जुड़ने का मौका। तो चलिए, बांध लीजिए अपनी कमर पेटियाँ और जरा भी देरी ना किए शुरू करते हैं आज का यह जहर सफ़र। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने यह तो सुना ही होगा कि बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है। पर क्या आप जानते हैं कैसे पक्षी के बारे में जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक ही उड़ता है? दोस्तों, स्नो ओवल यानी उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इस ऊंचाई को बनाए रखता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं क्या देखा है आपने यह उल्लू। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आज के समय में हर किसी की एक कीमत तो होती ही है, पर क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है जो दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा हो? दोस्तों इसका नाम स्टैग बैटल है और इसकी कीमत 65 लाख रुपए है। दोस्तों है ना ये कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने हर जगह पर भगवान की मूर्ति को तो देखा ही होगा जो एक अच्छे स्थान पर होती है, पर क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जिसकी करेंसी पर गणेश जी की फोटो छपती है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडोनेशिया ही एक ऐसा देश है जिसकी करेंसी पर यानी 20,000 के नोट पर गणेश जी की फोटो छपती है। वाओ, नाइस यार। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने कभी ना कभी कुछ नया सीखते समय गलत जवाब तो दिया ही होगा, तभी आपको उस जवाब का सही आंसर मिला होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें जिस भी बच्चे ने गलत जवाब दिया तो उसको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ कोरियन फिल्म डेथ बेल की, जिसमें हर स्टूडेंट ने अपनी जान को दांव पे लगा दिया सिर्फ गलत जवाब के चक्कर में। थोड़ा अजीब फैक्ट है लेकिन मज़ेदार है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आज के समय में तो लोग कोल्ड ड्रिंक को ही काफ़ी पसंद करते हैं, ये ज़्यादा देखने को भी मिलती है शादी पार्टी या फिर किसी फंक्शन में। पर क्या आप जानते हैं माउंटेन ड्यू जो आजकल बहुत लोगों की मनपसंद कोल्ड ड्रिंक है, असल में ये कोल्ड ड्रिंक 1940 में शराब में मिक्स करने के तौर पर बनाई गई थी और आज इस कोल्ड ड्रिंक ने इतना मुकाम हासिल कर लिया है। वाओ, अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने कभी ना कभी यह तो सुना ही होगा कि सिर्फ 1% लोगों का दिल ही राइट साइड पर होता है, पर आपने यह कभी सुना है एक ऐसी महिला के बारे में जिसका दिल उसके बैग में है ना कि उसके शरीर में? दोस्तों ब्रिटेन की सलवा हुसैन नाम की एकमात्र महिला ही ऐसी महिला है जिसका दिल उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके बैग में है। यह दिल वह अपने साथ हमेशा लेकर चलती है। दोस्तों है ना ये जहर फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने यह तो सुना ही होगा कि एक व्यक्ति ने 3 शादी की और फिर उसे जेल का सामना करना पड़ा, पर क्या आपने कभी यह सुना है कि अगर व्यक्ति ने 2 शादी नहीं की तो उसे जेल जाना पड़े? दोस्तों लगाना झटका आपको। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, अफ्रीकी देश इरिटेरिया में हर व्यक्ति को 2 महिलाओं के साथ शादी करनी पड़ती है, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों है ना ये कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने किसी न किसी जानवर को तो ठीक किया ही होगा ताकि उसकी चोट पर से खून ना निकले, पर क्या आप एक ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसके खून का कोई कलर ही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, झींगा मछली के खून का कोई कलर नहीं है, लेकिन जब उसका खून निकलता है तो ऑक्सीजन के कारण उसका खून नीला पड़ जाता है। तो कमाल है ना नेचर की ब्यूटी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं इस संसार में मात्र 2 ही ऐसे प्राणी हैं जो अपने सिर को बिना घुमाए पीछे भी देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पहला खरगोश और दूसरा तोता ही है जो बिना घुमाए पीछे क्या भी देख सकता है। वाओ, अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि शराब की एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो दोस्तों बियर और शराब की एक्सपायरी डेट उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा के हिसाब से देखी जाती है। उदाहरण के लिए बियर में अल्कोहल की मात्रा 5% होती है
तो अगर इसकी अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दी जाए यानी 7% कर दी जाए तो इसकी एक्सपायरी डेट भी बढ़ जाएगी। क्योंकि शराब में अल्कोहल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए यह लंबे समय तक चलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों इसी सूचना के साथ ख़त्म करते हैं आज का यह जहर सफ़र। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।